वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 15 और यमुना नगर का सबसे पुराना मोहल्ला, खेड़ा मोहल्ला इसे कहा जाता है, जहां पर गंदगी के अंबार सजे हुए हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाइए कि किस तरीके से गंदगी है और गंदगी के कारण सीवर ब्लॉकेज हो चुके हैं यमुना नगर पर। जो बता दें आप सभी को, व्यवस्था, जी हाँ, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ के महापौर बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं, यहाँ के जो है पार्षद बड़े बड़े वादे बहुत करते हैं, लेकिन आप स्थितियाँ देखेंगे तो बद से बदतर हो जाएगी। ये स्थितियाँ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी के अंबार यहाँ पर सजे हुए हैं। और आप सभी को जानकारी दे दें कि केंद्र की बात की जाए तो भाजपा सरकार, राष्ट्र की बात की जाए भाजपा सरकार, हरियाणा की बात की जाए भाजपा सरकार, मेयर की बात की जाए भाजपा सरकार, पार्षद की बात की जाए भाजपा सरकार, आखिरकार कितने भाजपा सरकार होंगी और कितने अधिकारी होंगे और कितने कर्मचारी होंगे, और भाजपा सरकार के बावजूद भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? क्या नगर निगम में इतने कर्मचारी नहीं है? क्या नगर निगम की अफसर जो है काम करने की नीयत नहीं रखते? क्या कर्मचारियों पर काम करने का मन नहीं करता? ये गंदगी आप लोग देख सकते हैं, तमाम मोहल्ले वासी जरूर मौजूद हैं। क्या कुछ उनका कहना है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। गंदगी के अंबार सजे हुए हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी और बदबू के अंबार यहाँ पर सजे हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। आस पास के लोग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना है उन महिलाओं का इस पूरे मामले का? रोशन लाल जी, कितने समय से रह रहे हैं इस मोहल्ले में? 7 साल हो गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकल? कितना बिल्कुल, जबकि ये रखे हुए हैं यहाँ स्लिपे रखे हुए, इसके नीचे इतना कमाड़ है, कोई असाब नहीं, कोई सफाई करता नहीं है। वो आते हैं जो सिगरेट लेके बीड़ी पीके या फूल लेके चलाने चलान कर जाते। गंदगी कितनी है अंकल यहाँ पर? मक्खी, मच्छर, कीटाणु, सब नालियां बंद पड़ी है। और अगर हल्की सी बरसात हो जाए तो बहुत बुरा। सब ये पानी आया यहाँ तक। क्या नाम है आंटी जी आपका? बलजीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मैडम? कि यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कोई भी सुनाई नहीं है। जब हम एमसी को फोन करते हैं और एक बंदे को भेज देते हैं, आगे आगे से निकाल के चले जाते हैं और कोई नहीं आके कोई स्लैपे नहीं उठाता। बरसातों में इतना बुरा हाल है, स्लैपों के ऊपर से पानी। अब थोड़े समय बाद फिर बरसात शुरू हो जाएंगी, क्या कुछ लगता है? सारी गलियां भरी होती है इतनी जी। सफाई कर्मचारी कोई आता है? मैडम क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई आते हैं यहाँ पर साफ करने? आते हैं महीने में। अच्छा, दो बार आते हैं, गंद निकाल के फेंकते। आपको लगता है सबसे पुराना बाजार है यमुना नगर का और इतनी गंदी व्यवस्था? गंदी है, बहुत गंदी है, सुनवाई नहीं है, ज्यादा गंदी, कोई सुनाई नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? हाँ जी नताशा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय से रह रही है मोहल्ले में? 17 साल हो गए मैम। 17 साल में ऐसा देखा है कभी इतना बुरा? कभी भी नहीं सर, एक्चुअली जब तक कंप्लेन ना करो नगर निगम में कोई भी नहीं आता। अगर आते हैं कूड़ा निकाल जाते हैं, नालियां वहीं की वहीं, कूड़ा घर के ऊपर से साफ करके चले जी। तो मैडम सबसे ज्यादा टाइम आप लोग निकालते हैं अपने घर के बाहर या फिर घूमना भी होता है आप लोगों का, तो बैठना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन सर मैं तो कहती कूड़ा भी जाके देखो, हमारे गेट के आगे बिल्कुल आगे पड़ा गेट, और ये उठाने कोई नहीं आता, निकाल भी जाते हैं तो उसमें और बदबू है बहुत ज्यादा सर। आगे देखो गंदगी, मच्छर, मक्खियां, बच्चे छोटे हैं। और अब कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है सर, कोरोना दोबारा। क्या नाम है मैडम आपका? आप भी यहीं रहती हैं? कितने साल हो गए आपको? मैडम सफाई व्यवस्था देख रही हैं कितनी बुरा हाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, तो तमाम जो लोग हैं हम इन्हें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जो है दिक्कतें, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बदबू के अंबार यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं, आसपास के तमाम लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा, ये बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल। अंकल जी यहाँ पर भी बुरे हाल है सफाइयों के? अंकल जी आपका नाम विजय कुमार है। हाँ जी, ये छोटी लाइन पे पाइप पड़े थे जी, अब ये यहाँ पे कूड़ा जो है बंद कर नहीं कराना ठीक तरीके से, गली के नुक्कड़ पे जो है ना पाइप को बंद नहीं करा जी, वो सारा कूड़ा उसमें चला जाता है और उसके पाइप बंद हुए तो काफी दुकानों पे भी दिक्कत आती है, ग्राहक नहीं चढ़ पाता, पानी की निकासी चढ़ता है, वो पानी रुक जाता है ना, गलियों में पानी चला जाता है और बाहर काफी ज्यादा प्रभावित है। आगे कूड़ा जाम ही बिल्कुल पड़ा है अंकल,
जाम हो जाता है। और कभी सफाई वाले आए हैं क्योंकि लेकिन कभी कभार आ जाते हैं, छोटी लाइन पर आ जाते हैं, लेकिन समस्याएं काफी हैं जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे। आसपास मोहल्ले वासियों से हम जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। गलियां गंदगी वाली हैं और गलियां गंदगी के कारण जो है ब्लॉकेज हो जाती है। समस्याएं आप लोगों को काफी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गंदगी, बदबू के अंबार और बदबू आप लोग देख सकते हैं कि कचरा यहाँ पर भरा हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्थितियां बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कर। स्थितियां बद से बदतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बुरा हाल हो चुका है, लोगों का जीना अस्त व्यस्त हो चुका है। तो अब मुझसे हमको दीजिए इजाजत, बने रहे I24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।